रास्ता कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, आई मीन चौड़ा हो रहा है. दीज आर द अटलमंड पीपल ऑफ आवर सिटी. चले ना आप साहब. तो और ये ऑटो वाला कैसे मुड़ रहा है पटना? गड़बड़ 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 गड़बड़. यहाँ पे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, व्हाइट एंड रेड कलर का. व्हाट आई लुक भाई, व्हाट आई लुक, कैसे देख रहे हो? खा जाओगे क्या? वाओ, ये सारा जो सीन आप नीचे देख रहे हैं ये डल लेक है. सारे शिकारा एंड हाउसबोट है वहाँ पे. Hello and welcome viewers, welcome to your favorite YouTube channel Invictus Biker. आज का ये vlog specially dedicated है कुछ खास जगहों के लिए. आज हम आपको शंकराचार्य मंदिर का विजिट करवाएंगे. उसके अलावा कुछ और जगहों का प्लान बनाया है जैसे कि चश्माशाही परी महल और द फेमस ट्यूलिप गार्डन जहाँ पे ट्यूलिप उगाए जाते हैं और उसकी कुछ हफ्ते 10 दिन की नुमाइश भी होती है. और उसके अलावा कुछ और चीज़ों को दिखाने का प्लान है. बट द ओनली कंडीशन के वहाँ जाने के जो रास्ते हों वो खुले हों और वहाँ पे जाने की परमिशन हो. नॉर्मली तो सब जगह जाने की परमिशन है बट आजकल थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कुछ जगहों पे. कोशिश करेंगे सब जगहों पे जाके आपको जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो वो दें. तो ये सारे एरिया जो है श्रीनगर सिटी के अंदर ही हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक. सो चलिए चलते हैं, आपको रास्ते में बाकी इन्फॉर्मेशन भी देता रहेंगे. ये वाला एरिया फिर से वही बंटवारा. एक्चुअली किसी का बंटवारा नहीं हो रहा, इस जगह का नाम है बंटवारा. देयर यू गो. यहाँ रास्ता कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, आई मीन चौड़ा हो रहा है. अगर आप देख पाएं तो वो पहाड़ के ऊपर जो आपको दिख रहा है बीच में, वो शंकराचार्य मंदिर है. एंड अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो आपको लेफ्ट में स्टेडियम मिलेगा. एंड सी दीज आर द अटलमंड पीपल ऑफ आवर सिटी. जान बुझ के बाइक वाले के सामने आना इनको अच्छा लगता है. एनीवेज, ये वाला रास्ता जो है ये इसको हम बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे याद नहीं इस रास्ते का नाम क्या, बट ये एक बाईपास है, एक शॉर्टकट है डल लेक बुलाबाद जाने के लिए. ठीक है, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड दुर्गा नाम. एक्चुअली जो राइट साइड में आप शटर्स देख रहे हैं कंटिन्यूसली 8 हैं या 10 हैं, ये बंद है. ये आपको ढाबे मिलेंगे यहाँ पे. जब भी आप यहाँ पे राइट पे आएंगे आपको यहाँ वैष्णो ढाबा मिलेगा जहाँ पे आप अपना भोजन और क्या बोलते हैं डिनर लंच वगैरह सब कर सकते हैं. सो ये कैसे कहते हम लोग डलगेट तक पहुँच गए. सो दिस इज़ अ तिराहा फ्री वे. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप लालचौक के रास्ते पर जाओगे, अगर आप राइट टर्न करोगे तो आप डल लेक की तरफ जाओगे. आई नो दिस इज़ रॉन्ग, मेरे को यहाँ से कट नहीं करना चाहिए था बट ट्रैफिक बीइंग मिनिमल और अभी कोई फ्लो भी नहीं है ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इस तरह से कट कर दिया. एनीवेज, तो आपको याद रहा डल गेट पहुँच के आपको लेफ्ट नहीं जाना है जो कि बाल चौक का रास्ता है, वहाँ नहीं जाना है, आपको राइट मोड़ना है, सड़क को पार करना है राइट तरफ. ओके, तो चले ना आप साहब. हमको यहाँ पे राइट लेना था बट यहाँ पे तारे लगी हैं तो हमको थोड़ा आगे जाके कंटिन्यू करते हैं. यू टर्न लेना होगा, नो इशूज नो प्रॉब्लम्स, लेट्स फॉलो यू ऑटो वाले अंकल. ओ माय गॉड, दिस इज अ JK01D, दैट मींस ऑलमोस्ट 1999 वाला ऑटो है. वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक और JK01D उसी साल का ऑटो पुराना. हाँ, तो यहाँ पहुँच के हमें लेफ्ट लेना है. ये देखिए, यू कैन सी दैट डल लेक जस्ट स्टार्टेड. डल लेक स्टार्ट हो गई एंड हाउस बोट भी सारे लगे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट दिस पॉइंट. और यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखो तो होटलों की कोई कमी नहीं है, दुकानें शोरूम एवरीथिंग यू नीड एज अ टूरिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा. तो कट करेंगे, इसको कट करेंगे भैया, ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो नींबू नहीं था. और ये ऑटो वाला कैसे मुड़ रहा है पटना, बट रोड की हालत डोंट आस्क. गड़बड़ 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 रास्ता ख़राब हो रही है. यहाँ पे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, वाइट एंड रेड कलर का. इस पर
पे वो बड़ा सा बोर्ड भी लगा है इंडिया पोस्ट का, पोस्ट ऑफिस का एक वो लगा हुआ है साइन। आपने कभी देखा है ऐसा? स्पेशल है भैया, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से ये चीज़ कहीं नहीं होगी, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। हाँ बाय द वे, ये जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये आपको बिल्कुल नेहरू पार्क में मिलेगा। नेहरू पार्क जो है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड नेहरू पार्क, इनफैक्ट इसका नाम घाट नंबर 15 है। ओके तो जैसे ही आप नेहरू पार्क पहुँचते हो, वाट आर लुक भाई, वाट आर लुक, कैसे देख रहे हो, खा जाओगे क्या? तो यहाँ पहुँच के आपको राइट साइड मुड़ना होगा, तो ये आपको दिखेगा रास्ता। भाईजान थोड़ी जगह देना, ये है शंकराचार्य मंदिर की तरफ का रास्ता। सर मंदिर तक जाएंगे, कोई एंट्री वगैरह तो नहीं करनी? लेफ्ट में राइट में सर? ओके सर, हाँ सामने है, थैंक यू थैंक यू। फिलहाल चलते हैं आगे, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। एंट्री ज़रूरी है, करेंगे अच्छा भी लगता है। तो हमारा यहाँ पे गेट से अंदर आके रजिस्ट्रेशन हो गया है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक्वेरियम है, इसमें अवेयरनेस सेंटर भी है और एक्वेरियम भी है, ये फिशरीज डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना? तो लेकिन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखा है शंकराचार्य रोड ओपन बाय श्री जी एम सादिक। वाह ये तो दिखाने लायक चीज है ब्रो। जी एम सादिक जी हैं जो उन्होंने वो 2000 सॉरी आई मीन जो जी एम सादिक जी थे। ओके वन सेकेंड, सो दिस इज द डेट 20th May 1971 जब इस रोड को शंकराचार्य रोड को ओपन किया था श्री जी एम सादिक जी ने, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। ग्रेट। भैया जी दूर से इशारा कर दिया कि गाड़ी को थोड़ा पीछे पार्क कर दे। लेट मी जस्ट टर्न अराउंड एंड पार्क अहेड। बस 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 काफी है। ओके वर्स, तो जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर इजाजत मिली तो ही अंदर मंदिर के दर्शन करवा पाऊंगा, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जाने का, और आई मीन जाने का परमिशन तो है बट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसकी परमिशन आपको शंकराचार्य मंदिर की जो कमेटी है जो इसका ख्याल रखती है, उधर मास्टर साहब देख रहे होंगे, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे अच्छा खासा लिखा है चौथा वाला, फोटोग्राफी विद स्टिल कैमरा इनसाइड शंकराचार्य टेम्पल इज नॉट अलाउड एंड डिजिटल मूवी कैमरा भी इसमें अलाउड नहीं है। सो ये भैया आपका व्यू है, इसके बाद सीढ़ियां होंगी, बाकी किस्मत हुई आपकी तो दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ से आगे व्यू पॉइंट है, वहां तो मैं जाऊंगा, वहां फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो सकती है। ओके गाइस, तो चेक पॉइंट क्रॉस करके मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे एक जगह है जिसको व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। व्यू पॉइंट क्या है, ये एक पहाड़ का किनारा है जहाँ से आप नीचे का नजारा देख पाते हैं। वी रेडी फॉर द व्यू? माय गॉड कमाल है बॉस, वाओ। ओ ओ ओ ओ ओ ब्रिलियंट ब्रो, ये चीज तो मुझे आज तक पता नहीं थी, मैं कभी इस तरफ नहीं आया हूँ। गॉड वो 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 वो, ये रास्ता शायद आगे भी कंटिन्यू करता है बट आई थिंक मुझे उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये ही बहुत बड़ी बात है, इनफैक्ट आपके लिए क्या मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाओ ये सारा जो सीन आप नीचे देख रहे हैं ये डल लेक है, सारे शिकारा एंड हाउसबोट है वहाँ पे, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वही बुलेवार्ड है जिसके जरिए आप यहाँ तक पहुँचते हैं, एंड ये पूरा श्रीनगर सिटी डाउन डाउन एंड एवरी प्लेस। अभी सन एक्चुअली उस साइड में आसमान में है तो आपको रिफ्लेक्शन से शायद ग्लेयर से ना दिख पाए, एंड टू द लेफ्ट आपको लाल चौक वाला व्यू दिखेगा, वो राजबाग वाला ब्रिज है,
पुराना नया दोनों है और ये जो आपको दरिया जैसा दिख रहा है इट इज एक्चुअली दरिया, ये दरिया जहलम है। एंड दिस रोड जो आप इधर सीधे देख रहे हैं ये एम ए रोड है जिसको मौलाना आजाद रोड बोलते हैं। ये बिल्कुल डल गेट से लेके आगे लाल चौक और बगमालो वगैरह जाता है। एंड जो कुछ ग्रीन कलर के फील्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, दिस इज एक्चुअली द कश्मीर गोल्फ कोर्स। जो डलगेट वाला गोल्फ कोर्स है ये वो है। ये चीज़ आपने देख ली, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ओके सो इसके बाद आपको पता है वापस वही चेक पॉइंट पे पहुंचना है, बाइक पे बैठना है, उसी रास्ते से वापस नीचे कंटिन्यू करना है। तो बाकी की कहानी वहां से स्टार्ट करूंगा। एज ऑफ नाउ सी या। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। अगर आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है हमारी इंस्टा आईडी। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।